अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, प्रोग्राम वॉक योर टॉक। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख और उनके साथ उस्ताद वसीम मज़र अली ख़ान साहब। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, दुनिया में अनबाव इकसाम की जानदार और गैर जानदार, नज़र आने वाली और ना नज़र आने वाली अनबाव इकसाम की चीज़ें हैं, जानदार हैं, चिरिंद हैं, परिंद हैं, नबातात हैं। कुरा अर्ज़ का ये निज़ाम मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल रहा है। तब्दीली रूनुमा होती आई है। इस कुरा अर्ज़ के ऊपर एक ज़माने में डायनासोर्स यूज्ड टू रूल द वर्ल्ड। वो कवियु जुस्सा दियो हैकल जानवर कहाँ गए, सफ़े हस्ती से मिट गए। मुख्तलिफ़ अदवार जो दुनिया के गुज़रे हैं उसमें कोई स्टोन एज थी, कोई आइस एज थी, कोई तांबे की एज थी, इस तरह से मुख्तलिफ़ अदवार गुज़रे हैं इस धरती पे। जैसे लोगों की ज़िंदगियों में मौसम आते जाते हैं, उस तरह से इस धरती माँ की ज़िंदगी में भी बहुत से अदवार गुजरे हैं। जो हमारी धरती कुर्रे अर्ज निज़ामे शमसी का हिस्सा है, निज़ामे शमसी कितना बड़ा है, उसमें एक सितारा है, उसका नाम आफ्ताब है, शम्स है, सूरज है, जिस नाम से भी उसको पुकार लें, उसके इर्द गिर्द हर वक्त सैयारे 8 या 9 तवाफ करते रहते। हमारी घड़ी की सुइयां यूं घूमती हैं, जबकि निज़ाम शमसी में जो तवाफ है वो यूं घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो इत्तफाकन जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ उसमें जो तवाफ़ होता है खाना काबा के इर्द गिर्द, वो भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। हर कसो नाकिस एक रक्स में है। रूमी के दरवीश जो हैं, मौलाना रोम के दरवीश, वो भी एक रक्स में है। वो एक रक्स करते हैं, और जब वो रक्स करते हैं तो उनका एक हाथ हवा में यूं बुलंद होता है और उनकी मुट्ठी खुली होती है और उंगलियां फिजा में बुलंद होती हैं, और दूसरा हाथ नीचे की तरफ होता है, ज़मीन की तरफ होता है, और उंगलियां ज़मीन की तरफ होती हैं, और वो महव रक्स होते हैं, एक ट्वर्ल में, एक सर्कल में, एक स्पायरल में, एक वॉर्टेक्स में, दे आर स्पिनिंग। और अजीब बात है कि दुनिया भी सूरज के इर्द गिर्द रक्स कर रही है, तवाफ कर रही है, और सूरज जो है वो सिर्फ एक सितारा है, और ऐसे कई करोड़ हा सितारे हैं, और सितारों में सूरज कोई बहुत बड़ा सितारा नहीं है, इससे बड़े बड़े सितारे। सितारों की इकसाम भी बहुत है, सब सितारे चमकते हुए सितारे नहीं हैं, कोई बुझते हुए सितारे हैं, कोई बनते हुए सितारे हैं, ये कहकशाएं जो हैं ये फैक्ट्रीज हैं, और कई सितारे मिलके बनाते हैं एक कहकशां, जिनमें से एक कहकशां
गैलेक्सी मिल्की वे हमारी है और ऐसी करोड़ों कहकशाएं और वो कितनी कितनी दूर हैं इसका इदराक भी बहुत मुश्किल है। लाइट ईयर्स जो हैं नूरी साल की मुसाफतें हैं। इसमें एक हजरत इंसान है जो मैं और आप हैं और हम समझते हैं और ऐसा मानते हैं और ऐसा हमें बताया गया है और इस पे ईमान लाए हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो भाई हम जब बाकी मखलूकात से अशरफ हैं तो फिर हमारे ऊपर कुछ फराइज भी हैं और फराइज की जो एग्जीक्यूशन है, फराइज को सरंजाम जो हमने देना है, वो इस तरह से देना है कि हमने अपनी धरती को दिन ब दिन ख़राब नहीं करना, वरना जो हमसे पहले कई और मखलूकात थी वो सफाए हस्ती से मिट गई। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर इंसान जो है वो एक ताल मेल के साथ इस कुर्रे अर्ज के साथ नहीं रहेगा, जिसकी वुस्सत मैंने अभी आपको बयान की कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो इस दुनिया में इस कुर्रे अर्ज में हमें एक हर चीज का एक अजीम तरीन आपस में ताल्लुक है और हम सब एक मदार में घूम रहे हैं। जैसे मैंने अर्ज किया कि दुनिया सूरज के गिर्द घूम रही है, सूरज जो है वो और अपनी गैलेक्सी पूरी जो घूम रही है, ये हर चीज़ एक स्पाइरल में है और ये फैल रही है और ये मूव भी कर रही है, क्योंकि टाइम जो है वो एक लीनियर स्केल पे अगर हम देखें तो वक्त आगे बढ़ रहा है, तो टाइम भी चल रहा है और हम भी घूम रहे हैं, तो हर चीज़ का एक दूसरे से ताल्लुक है। बज़ाहिर हमें जो मादा नज़र आता है, यानी हम भी एक मादा है, मैटर है, वी आर मैटर, मटेरियल मैटर, तो ये जिस चीज़ का ठोस है और ये जिस चीज़ का हुजम है ये मादा है, मगर हम ये जो खाली जगह देख रहे हैं जिसमें मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, ये क्या है? इसके अंदर कुछ है या कुछ नहीं है? हवा है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये तो बजाते खुद इनका वजूद है, एलिमेंट्स हैं। तो जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही ना, हम ये ना समझें कि वो है ही नहीं, वो हैं, मगर वो हमारी आँख की बेनाई बसारत से मावरा है। इसी तरह इंसान जो है, ये जो ठोस है इसके अंदर भी बहुत सी जगह खाली हैं। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको कि जैसे सेल होता है, सेल एक खुलिया, उस खुलिये को बनाने वाली बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं और उनमें एटम्स हैं। एटम, एटम के अंदर अगर हम जाएं माइक्रोस्कोपिकली खुर्दबीन से, तो उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रोटॉन है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन है जिसका कोई चार्ज नहीं होता, और उसके इर्द गिर्द तवाफ हो रहा है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तवाफ कर रहे हैं जिनका नेगेटिव चार्ज है, और एटम के अंदर ये सिर्फ 1% से कम जगह घेरता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बाकी जगह खाली है। वो खाली जगह है तो वो घूम रहा है, ये खाली जगह है तो हम सारे काम कर सकते हैं। अगर ये जगह सारी भरी होती तो शायद हम काम नहीं कर सकते। तो जो मौजूदात हैं और जो नज़र नहीं आ रहा, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक तालमेल है। तो हम जो ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें हम जो चीज़ सामने आती है उसको खा पी जाते हैं और हम समझते हैं कि हर चीज़ को हमने तस्खीर करना है क्योंकि हम
अशरफुल मखलूकात हैं, मगर जब हम एक तनासुब, तवाजुन, तालमेल और चीज़ों की जो हकीकत है, जो हमसे मावरा या मख्फी है, जो छुपी हुई है, जब तक हम उससे हम आहंग होकर ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे तो हम खुद अपने ही दुश्मन बन जाएंगे और अपनी ही बेसरो सामानी और तबाही का सामान पैदा कर लेंगे। तो इस चीज़ को समझना कि हमारा इससे और अपने इर्द गिर्द फैले हुए जानवरों और चीज़ों से और सीज़न से और इस आफाकी कायनात के निज़ाम से क्या ताल्लुक़ है और कैसे हमने तालमेल बनाना है, कि पिछली सदी में हमने फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल और पेट्रोलियम और इस किस्म की बनी हुई जो चीज़ें हमें मिली, इस धरती का सीना, माँ का सीना चीर के हमने जो उसमें से निकाली और उनको इस्तेमाल किया, तो इंसान ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की, मगर आज ये जो एमिशन है, कार्बन की एमिशन है, जो जो जल रहा है ईंधन फॉसिल फ्यूल, इसकी वजह से पूरी जो हमारी अर्थ की बैलेंस है, बायोडाइवर्सिटी है, जो अनबाव इकसाम की चीज़ें और मुख्तलिफ हयात मौजूद हैं, ये सारी बिखर सी गई हैं, इसमें एक बेतरतीबी से आने लगी है। तो हम खुद को तो आगे बढ़ा रहे हैं, जंगलों को तो नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, काट रहे हैं, मगर जिनसे हमने प्लांट से ऑक्सीजन लेनी है, जब वही कम हो जाएंगे, जब पानी हमारे जहरीले हो जाएंगे, जब फिज़ा हमारी आलूदा हो जाएगी, जब अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन और जितने सात समंदर हैं उनके पानी ऊपर चले जाएंगे और सुनामीज आने लगेंगे, तो वो तबाही और बर्बादी का जो बाज़ार गर्म होगा और जो हमारा नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है उस पे जो परमा आइस है, जो जमी हुई बर्फ़ है, जब वो पिघल जाएगी और समंदरों में पानी गिरेगा और समंदर ऊंचे हो जाएंगे और जो एक तनासुब है ठंडक और गर्मी का वो ख़त्म हो जाएगा और गर्मी ज़्यादा देर रहने लगेगी, तो कितनी ऐसी हयात है जो फना हो जाएगी। इंसानों ने वेल मछली जैसी बड़ी मछली को, मिलियंस को मार दिया, खा पी गए, और आज इंसानों की तादाद 7 अरब के लगभग है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज से 30 साल बाद ये 9 अरब या उससे भी ज़्यादा होगी। तो जब इतना बोझ धरती की जो रिसोर्सेज पे पड़ जाएगा तो ये सारा संतुलन, ये बैलेंस, तवाजुन कैसे चलेगा, इस पे हम थोड़ी सी बात मज़ीद भी करेंगे, मगर अभी मैं ये चाहूँगा कि वसीम मज़हर अली साहब हमें कोई अच्छा सा कलाम सुनाए।
महाराजा जी तुम बड़ो गरीब नवाज़, मोहे अपना करके राखियो तुहे बां पकड़े कीला। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मैं लजपाला लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगने दी, कदी भी लोड़ नहीं रहती मैनू दर दर तो मंगने दी। मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मेरे पल ले परे रहंदे। मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मेरे पल ले परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू हम परे रहंदे। दुआवां रल करो सैयो, मेरा मुर्शद न रुस जावे। दुआवां रल करो सैयो, मेरा मुर्शद न रुस जावे। जिना दे मुर्शद रुस जांदे, जिना दे मुर्शद रुस जांदे, ओ जींदे जी मरे रहंदे। मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मेरे पल ले परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे। नया दी मैं डर का दा, मेरा ए पीर लासानी। नया दी मैं
डर कागा मेरा ए पीर लासान जड़े मुर्शद दे हो जांदे जड़े मुर्शद दे हो जांदे उसों रब दी खरे रहंदे मैं लज पादा दे लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पादा लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मैं लज पादा लड़ लगियां मेरे तू गम परे रहंदे मेरी आसा उम्मीदा दे मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे सदा बूटे हरे रहंदे सदा बूटे हरे रहंदे। बहुत खूब बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा वसीम अज़हर अली साहब। खुदा नज़रात हम भी ये चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के बूटे नबातात और जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है जितनी भी हयात है वो हमेशा जो है कंट्रीब्यूट करती रहे और उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इन बूटों को हरा रखने के लिए अपनी ही बका के लिए हम इस चीज़ को समझें कि हम इंसान बतौर नस्ल बतौर दिस रेस हम जिस तरफ जा रहे हैं उसमें कहीं हमारी अपनी बका जो है वो दाव पे ना लग जाए एक्सटिंक्शन की तरफ ना हम चलें और इसके लिए हमें रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम फ़िलहाल सोच रहे हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसमें एक नफ्स नफ्सी का आलम है और मुख्तलिफ़ अक्वाम सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं वो अफ्रीका जाती हैं तो अफ्रीका के जंगलात को तहबाला कर देती हैं वहाँ पे जो रहने वाली मुख्तलिफ़ मखलूकात हैं जानवर हैं उनकी हैबिटेट को तबाह कर देती हैं और ये जो दर्जा हरारत बढ़ रहा है फ्यूल जो हम जम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो कार्बन एमिशन होती है उससे लाहौर में आप देखते हैं कि स्मॉग कितनी बढ़ गई है और सांस लेना दूभर हो गया है। इसी तरह से अगर ओशंस जो हैं ओशियनोग्राफी की जाए यानी कि समंदरों की छानबीन की जाए तो उसमें ऑस्ट्रेलिया के करीब जो कोरल रीफ्स हैं जहाँ पे समंदर की तह में और समंदर के सतह के नीचे जो एलजी और इस किस्म की चीज़ें असल में वो सांस लेने और ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करने और जो पूरी हयात समंदरों में है उसको कंट्रीब्यूट करती है और वो सुकड़ती जा रही है क्योंकि जैसे ऑयल रिग्स और ऑयल स्पिल्स हुई और इंसानों ने फिजन और फ्यूजन से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की और चेर्नोबिल रशिया में जब वहाँ पे न्यूक्लियर लीक हुई और उसकी वजह से एक केमिकल एमिशन हुई फिज़ा में जो कि पूरे यूरोप में आकर गिरी और सॉयल में मिट्टी में साथ में मिल गई और उससे जो भी एग्रीकल्चर और जो भी उससे अजनास फूटे वो रेडियो एक्टिव थे और बहुत से हमल इंसानों के और मुख्तलिफ हयात के जो है वो ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ दी रेडियो एक्टिविटी ताबकारी की वजह से। हम इंसान जिस तरफ बढ़ रहे हैं हमें रीप्रोग्राम रीडिज़ाइन एनर्जी हासिल करने के बहुत से तरीके सीखने होंगे कि क्या सिर्फ पेट्रोल और ऐसी चीज़ों से हम या कोयला इसको जला के जो फिजाई आलूदगी होती है ये हमारे लिए अच्छी भी है या बुरी है। सो ये एक रीडिज़ाइनिंग रीप्रोग्रामिंग और जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिसमें के लोग यहाँ पे ऐसे भी अक्लमंद खोटे
पाए गए कि जब पानी पाकिस्तान के दरियाओं का जो बर्फ़ पिघलती है और ऊपर से कश्मीर से या दूसरे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें से नीचे आता था, और दरियाए सिंध और दरियाए काबुल और दरियाए नीलम और इस तरह के और दरिया आते थे और जुड़ते थे, और पंज आब में पांचों दरिया बहते थे, अब वो सिकुड़ते जा रहे हैं। तो उनसे जब बंद बांध कर उनमें बिजली निकाल उसमें से पैदा की गई, तो लोगों ने कहा कि पानी में अब वो ताकत ही नहीं रही, उसकी बिजली तो निकल गई है, उसकी ताकत तो निकल गई है। तो हमें साइंस से भी जुड़ने की ज़रूरत है कि हमें पता चले कि जो कुदरती तरीके हैं, पन बिजली है या हवा से टर्बाइन से बिजली, और इसके अलावा जो ये हमें नज़र नहीं आ रहा, ये जो फिज़ा है इसके अंदर हाइड्रोजन है। पानी जो है वो मुरक्कब है हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। और मैंने जैसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है, या हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके अंदर एटम्स हैं, और जब हम एटम को तोड़ते हैं, एटॉमिक बॉम्ब जिस तरह से बनता है, तो उसमें से बहुत सी एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब है कि एनर्जी हासिल करने के और भी ऐसे तरीके बेशुमार हैं। हाँ, हमें उस पर काम करके अपनी सोच को और अपनी साइंस और उलूम को यकजा करना है ताकि इंसान की बका के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। सो अशरफुल मखलूकात सिर्फ कहने से मानने से नहीं बनते, मगर जब हम दूसरी मखलूकात का और अपना भी असल में, क्योंकि हम सब इंटर डिपेंडेंट हैं, आफाकी तौर पे भी, इस दुनिया में भी हम सब एक दूसरे पर इन्हिसार हैं। हमारा हयात का और हमारी बका का दारो मदार तमाम चीज़ों पर है, एक से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। जब तक हम इस चीज़ को अपने जहन में रखेंगे और रीप्रोग्राम रीडिज़ाइन करके ज़िंदगी के नए असलूब नए तरीके देखेंगे, और सिर्फ जो है अपनी आसानियों के लिए, तन आसानी के लिए, जब हम हैबिटेट को, जंगलात को ख़राब करते जाएंगे, ख़त्म करते जाएंगे। एक फूड फॉर थॉट देते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इंसान की नस्ल बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, पहले इतने लोग नहीं हुआ करते थे जितने अब कुरैर्स पे हैं। तो ख़वातीन जब ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं और काम काज ज़्यादा सीख लेती हैं और घर गृहस्थी से निकल के मर्दों पे डिपेंडेंस उनकी कम हो जाती है, तो क्या फिर भी वो उतने ही बच्चे पैदा करती हैं जितनी पढ़ी लिखी और काम करने वाली ख़वातीन पैदा करती हैं? और जो ऐसे ममालिक हैं जिनमें तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, क्या वहाँ बच्चों की पैदाइश की शरह वही है जो एशिया के जो कदरे मुआशी तौर पे पसमानदा ममालिक हैं उनमें और तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों की पैदाइश की शरह क्या सेम है? तो जो नेचर है, जो कुदरत है, उसका अपना एक निज़ाम है, और वो भी इंसानों की जो बढ़ती हुई नस्ल की अफजाइश है उसको भी करटेल करती है। क्योंकि अगर आप बाकी हयात को देखें, बाकी आप मखलूक को देखें, तो बहुत सी ऐसी मखलूकात थीं जो अब नहीं रहीं, और भैंसें जो हैं और जो बीफ है इसको पैदा करने में और खाने में, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फार्म लैंड जिनको चाहिए, चरने के लिए चराह गाहें चाहिए बहुत ज़्यादा, और हम जब इनको खाते हैं और जो इनको गाय भैंसों को खिलाने के लिए जो सारा प्रोसेस चलता है उसे बहुत सी कार्बन एमिट होती है फिज़ा में, जो कि उतने उधर से हम काटते जा रहे हैं प्लांट्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल उतनी करते नहीं और ऑक्सीजन उतनी नहीं देते। तो ये सारा जो सिस्टम है इसको समझने की ज़रूरत है। बस आज के प्रोग्राम में मैं यही चाहता था कि हम इस बैलेंस को पहचानें, और ये पहचाने कि हमारी जो गैदरिंग्स हैं, जो चीज़ें हम जमा करते हैं
और जहाँ पर हम लोग जमा होते हैं, जब दो चार लोग जमा होकर बैठते हैं, सर जोड़ के बैठते हैं, तो वो आपस में दुश्मनी, कदूरत, अदावत या इकट्ठे होके एक कलेक्टिव विजडम पैदा करते हैं। और जो चीज़ें हम जमा करते हैं, हमें कितनी चीज़ें, गैदरिंग्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, गैदरिंग्स ऑफ ह्यूमंस, गैदरिंग्स ऑफ थिंग्स एंड व्हाट वी गैदर, हाउ मच शुड वी गैदर, हमें कितनी चीज़ें जमा करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा चीज़ें जमा कर रहे हैं और असल में उसका हमें नुकसान हो रहा है। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम क्या सोच लेके इकट्ठे होते हैं, हमने जुग्राफियाई हदूद कयूद का शिकार हैं कि ये फ़लाँ मुल्क की जगह है, या हम सब इंसान एक ही हैं। इस पर ज़रा सोचिएगा, इंशाल्लाह फिर आइंदा के प्रोग्राम्स में भी इस पर बात करेंगे। अशरफुल मखलूकात होने का हक अदा हमें करना होगा, और हमें जो है गैदरिंग्स में क्या गैदर कर रहे हैं, कहाँ जमा हो रहे हैं, किस लिए जमा हो रहे हैं, वजह क्या है, हासा मजाक ठट्ठा है या उसका कोई दूररस नतायज हैं, और इन सारी चीज़ों पर हमें गौर व खौज करके रीप्रोग्रामिंग अपनी एक दफ़ा से करनी होगी। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते मिस नादिया शेख आपको कोई अच्छा सा गाना सुनाएंगी और फिर हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you.
करता रफ्तार मेरी हस्ती का सामा हो पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जा रफ्तार रफ्तार